सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पांचवी कक्षा में पहला जो एकम है वो है यातायात। छात्रों, यातायात का मतलब है कि वाहन व्यवहार। आप सभी को पता ही होगा कि हम कहीं पर जाते हैं या हमारे गांव से दूसरे गांव, हमारे गांव में ही अलग जगह पे जाते हैं तो कोई ना कोई वाहन की मदद से हम जाते हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चे है वो ये जो पहला चित्र पाठ है वो चित्र पाठ का पेज निकालें, ठीक है ना। आइए अब जानते हैं। तो हम जानते हैं कि कहीं पर भी जाना है तो हम वाहन की मदद से जाते हैं। आपको पता ही होगा कि पहले के जमाने में क्या होता था कि हमारे दादा नाना वगैरह है वो कहीं पर भी जाना होता तो तब तक वाहन की सुविधा नहीं थी। ये सारे जो वाहन अभी उपलब्ध है वो वाहन की सुविधा उस समय पे नहीं थी। तब क्या होता था कि उस समय पे बैलगाड़ी का उपयोग होता था, टांगे का उपयोग होता था या ऊंटगाड़ी का आदि का उपयोग होता था और एक जगह से दूसरी जगह वो लोग प्रवास करते थे। पर हाँ, अभी बहुत कुछ सरल हो गया है। आपको पता ही है वर्तमान समय में हम ये सभी जो भी आवश्यक वाहन है उसकी सुविधा हम लेते हैं पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि हम जानते हैं कि विज्ञान बहुत कुछ आगे बढ़ गया है और उसी वजह से हम जल्दी से जल्दी अपना काम है वो निपटा सकते हैं। पहले के जमाने में जो भी वाहन थे, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले ही कि हम
अंदर चलते हैं, वो आपको बताया होना चाहिए कि पानी के अंदर कौन चलते हैं, तो पानी के अंदर भी सबमरीन जैसे उपयोग होते हैं, पर वो ज़्यादातर हमारे जो देश के सैनिक है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे पानी में चलने वाले नौका स्टीमर तो वहाँ पे भी कैसा का सुन तो लगता ही है, यहाँ पे भी आप ये सारे साधन है, वहाँ पे खर्च तो होता ही है, कहीं में अधिक खर्च होता है तो कहीं में थोड़ा खर्च होता है। तो इस तरह से हम यातायात के सभी साधनों का उपयोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं और हर रोज कहीं ना कहीं हमको जाना होता है, चाहे वो जॉब पे जाना होता है या चाहे किसी के घर पे जाना है या कोई प्रसंग में जाना है, तो हम ये सभी साधनों का उपयोग बेहतरीन तरीके से करते हैं। और कई जो रिश्तेदार होते हैं, कई व्यक्ति होते हैं, वो उनके घर पे ही ये प्राइवेट साधन ले लेते हैं जिससे कि उसको आने जाने में सुविधा हो। तो यहाँ पे इतना आपने देख लिया कि यातायात के इस चित्र में कौन कौन से साधन बताए गए हैं सड़क पे चलने वाले, इसका हमने निरीक्षण कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा चित्र बताया है ये आपको दिखाई देगा, है ना, सभी छात्रों दिखाई देता है ना, ये देखिए जरा गौर से देखिए इस चित्र में क्या दिखाई दिया है। जी हाँ, यहाँ पे एक सुंदर सा बगीचा हमको दिखाई देता है। तो आइए बगीचे में क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। चित्र को गौर से देखिए अपनी पुस्तक में और सोचिए कि यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है, हमारे आसपास में ऐसे पौधे हैं या हमारे आसपास में ऐसा कोई बगीचा है जहाँ पे हम सैर करने जाते हैं या वहाँ पे खेलने जाते हैं। आप सभी के आसपास आपके शहर में या आपके गांव में ऐसा कोई बगीचा जरूर होगा जहाँ पे आप थोड़ी देर आराम से बैठ सके और अपना खेल खेल सके। तो यहाँ पे भी ये क्या क्या दिखाई देता है जरा इधर आइए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बगीचे में कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ चंपा का एक पौधा है, जो चंपा के फूल होते हैं वो बहुत खुशबूदार होते हैं, मानो कि उसके पैर से हम नीचे सरकते जा रहे हो तो उसकी खुशबू से ऐसा वातावरण प्रभावित होता है कि मानो पूरा वातावरण है वो खुशबूदार हो गया हो। कि बारहमासी, इसको तो आप बेहतरीन तरीके से पहचानते ही होंगे। तो बारहमासी का जो पौधा है उसका नाम ही बारहमासी है, पहले तो उसका नाम ही बारहमासी है। इसी तरह से ये पता चलता है कि बारहमास यानी कि बारह मास में जितने भी मास हैं वो सभी मास में इसके फूल खिले ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि ठंडी की ऋतु में ये मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पे ये बारह मासी का उपयोग ही बहुत बड़ा है और आयुर्वेदिक में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है। उसके बाद है गेंदा का पौधा, तो गेंदा के फूल के बारे में तो आपको पता ही होगा, कई कई गांवों में ये गेंदे के फूल के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक गाना था, एक सीरियल का गाना था कि ससुराल गेंदा फूल, ऐसा सब कुछ कहाँ पे भी मिल जाता है, जैसे कि एक गेंदे के फूल के बारे में बताया गया था। दूसरा आता है जासूद का पौधा, कि जासूद का पौधा उसके पौधे में इतनी खासियत होती है कि जासूद का फूल जहाँ भी है अलग 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 तरीके से अलग अलग रंग में दिखाई देते हैं, मानो कि पीले रंग में होते हैं, पिंक रंग में होते हैं, ब्लू रंग में होते हैं, सभी रंग में ये जासूद का पौधा है वो दिखाई देता है। और उसका जो सफेद रंग का पौधा है, सफेद रंग के फूल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाजू में यहाँ पे बगीचे में आप जरा गौर से देखेंगे तो वहाँ पे दो चार बच्चे खेल रहे हैं, झूले पे झूल रहे हैं और वहीं पे बगीचे में कोई जो बुजुर्ग है वो भी यहाँ पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो आपने इस चित्र का निदर्शन बहुत अच्छी तरह से किया और आपने देखा कि बगीचे में भी कैसे कैसे व्यक्ति आते हैं, कौन कौन खेलने आता है, कौन आराम करने आता है वगैरह का आपने दर्शन कर लिया। अभी आप सारे बच्चे इसके पीछे वाला पेज है वो पलट गए, यहाँ पे भी एक और चित्र आपको दिखा
दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, ये सभी साधन है जो कि सड़क पे जा रहे हैं, या हवा में जा रहे हैं, या फिर पानी में जा रहे हैं, उन सभी का निरीक्षण यहाँ पे हम देख सकते हैं। आप जरा गौर से देखें तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे एक जलाशय है, वहाँ जलाशय के पीछे पर्वत है, और यहाँ जो दिखाई देता है पानी, उसमें एक स्टीमर है और एक नौका है। यहाँ पे रोड पे आपको बस दिखाई देती है और एक ऑटो रिक्शा दिखाई देती है। इससे ये अनुमान लगता है कि यहाँ पे यातायात के सभी साधन, सभी वाहन यहाँ पे मौजूद है। तो यातायात में क्या क्या वाहन की यहाँ पे हम सूची बना सकते हैं, वो भी आपको जाननी चाहिए। इस सूची में कौन से साधन का उपयोग होता है वो भी यहाँ पे लिखना है आपको और बताना है। सोच के को ये जरा पेज आप पढ़ देंगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो बॉक्स दिए गए हैं, ये 5-6 बॉक्स है, उसमें अलग 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 प्रकार के यहाँ पे बॉक्स बनाए हैं। और यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जैसे कि पहले बॉक्स में है कि 2 पहियों वाले साधन, 3 पहियों वाले साधन, 4 पहियों वाले साधन, 4 से अधिक पहियों वाले, सड़क पे चलने वाले साधन, हवा में चलने वाले और पानी में चलने वाले। तो ये सभी का जो संदर्भ में लिखना है आपको, वो यहाँ पे सभी मैंने विवरण कर दिया है बोर्ड पे सभी। तो आप कृपया ध्यान करके देखे इस बोर्ड में जो भी लिखा है वो ये यहाँ पे बॉक्स में आपको ध्यान से लिखना है कि कौन से साधन कहाँ पे लिखने हैं, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आज के दिन ये इतना होमवर्क काफ़ी है। आप बाजू में कहीं पे भी अगर बगीचा है या सड़क है तो आप ध्यान से देखिएगा कि बगीचे में क्या क्या है, सड़क पे क्या क्या है, वो सभी का निदर्शन कीजिए। और आप देखिए कि यहाँ पे जो बताया है वो कौन से साधन यहाँ पे लिखे जाने चाहिए, ठीक है ना। तो आज के दिन ये यातायात के साधन कौन से है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्तु, जय हिंद।